नमस्कार दोस्तों, ये देखिए ये सूजी है, हाफ केजी सूजी है ये। और इसमें डालने के लिए धनिया पत्ती है, दो मिर्च कटी हुई है बारीक बारीक कटे हुए प्याज है, बारीक कटी हुई टमाटर है, और ये अदरक है थोड़ी सी घिसी हुई। हम ये सबको सूजी में डाल देंगे, सारे सामग्री को ये डाल दिए हैं सूजी में। अब इसमें हम पानी डालेंगे, पानी डालकर इसे मिला लेंगे। ये देखिए और पानी डालेंगे, क्योंकि सूजी फूलती है तो पानी एब्जॉर्ब करती है, इसीलिए पानी हमने डाल दिया है। अब हम इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, ये नमक डाल दिया है हमने। आप इसमें और भी वेजी डाल सकते हैं, जैसे गाजर, शिमला मिर्च, मटर और अपने पसंद के जो भी सब्जियां हो आप इसमें डाल सकते हैं। ये हम इसे मिलाकर 10 मिनट के लिए हम इसे ढककर छोड़ देंगे। अब ये देखिए 10 मिनट के बाद ये सूजी ये थोड़ी ठीक हो गई है। हम इसमें थोड़ी सी पानी और डालेंगे, बस पानी डाल करके हम मिला लेंगे फिर से, और इधर गैस ऑन करके तवा गर्म कर रहे हैं, तवा गर्म हो रही है, और इधर इसे पूरी अच्छी तरह से चारों तरफ से मिला लेंगे। चीला खाने में टेस्टी लगता है, इसके साथ में हेल्दी भी है, क्योंकि सूजी से गैस वगैरह नहीं बनती, और सवेरे के लिए नाश्ते का ये एक हेल्दी ऑप्शन है। मेरी तवा भी गर्म हो गई है, हम इसमें थोड़ी सी तेल डालेंगे, और इसमें ज्यादा ऑयल भी नहीं लगता कि सवेरे सवेरे ऑयली नाश्ता हो गया, ऐसा ही नहीं है। आप नॉन स्टिक तवे में बना रहे हैं तो एक दो बूंद तेल ही काफी है। ये मेरे लोहे के तवे हैं। अब देखिए इसमें हम ये एक चमची दे दिए हैं और इसे फैला लेंगे, आंच को लो कर देंगे और 5 मिनट तक हम इसे ढक देंगे। 5 मिनट तक हम इसे ढक करके पकाएंगे। 5 मिनट होने के बाद मैं फिर दिखाती हूँ। अब ये देखिए मैं इसका ढक्कन हटा रही हूँ। अब देखेंगे ये ऊपर जरा सा भी कच्चा नहीं है, ये पूरी ऊपर में पक गई है। अब हम इसे पलटा लेंगे और दूसरी तरफ भी पका लेंगे। थोड़ी सी तेल डालेंगे, और दूसरी तरफ भी हम इसे ढककर पका लेंगे। ये दोनों तरफ से पक गई है तो हम इसे फ्लेम थोड़ा तेज करके पका लेंगे। अब फ्लेम को तेज करके हम इसे सेक रहे हैं। अब मेरे ये चीला देखिए दोनों तरफ से बिल्कुल सुनहरा पक गया है।
देखिए बिल्कुल सुनहरा पक गया है। मैं इसे प्लेट में निकाल ले रही हूँ और फिर इसमें चीला डाल दे रही हूँ और इसे फैलाकर फ्लेम लो करके हम इसे ढक देंगे। अब इसे आप चटनी के साथ खाइए, सॉस के साथ खाइए, अचार के साथ खाइए, जो भी आपका मन हो उसके साथ में खाइए। ये हेल्दी और टेस्टी चीला बनकर के तैयार है। इस तरह बनाइए, खाइए। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।